हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइप्सी को हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपने वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पे इतिहास के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उनके साहित्य जीवन के बारे में, जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, बताना चाहूंगा आज मैं आपको बताने वाला हूं मोहन राकेश के जीवन के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा मोहन राकेश आधुनिक परिवेश से जुड़कर साहित्य सृजन करने वाले गद्यकार हैं। आपने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर हिंदी नाटक को नवीन दिशा दी है इस तथा कथा साहित्य में नए युग का सूत्रपात किया है। यात्रा वृत्तानों में सर्वदल मौलिक तथा नवीन शैली का प्रयोग करके सराहनीय कार्य किया है। राकेश जी संस्मरण किसी घटना अथवा व्यक्ति विशेष के सजीव चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म स्थान, तो आइए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मोहन राकेश का जन्म सन 1924 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद्र गुगलानी वकील थे। जी हाँ दोस्तों, परंतु साहित्य और संगीत में वे रुचि रखते थे। इन्होंने लाहौर के ओरिएंट कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर हिंदी और संस्कृत में एमए किया। जी हाँ दोस्तों, इसके तत्पश्चात इन्होंने अध्यापन का कार्य बंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में किया, परंतु इस कार्य में विशेष रुचि न होने के कारण त्याग पत्र देकर सन 1962-1963 में मासिक पत्रिका सारिका का संपादन भी किया। कुछ समय बाद यह कार्य भी छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ किया। सन 1963 से 1972 तक स्वतंत्र लेखन किया। जी हाँ दोस्तों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां तो और बताना चाहूंगा आपको, जैसे उपन्यास अंधेरे में बंद कमरे, जी हाँ दोस्तों ना आने वाला कल, अंतराल, नीति रोशनी की बाहें और इनकी कहानियां दोस्तों, क्वार्टर, पहचान, बारिश, तीन संग्रह में कुल 54 कहानियां लिखी। जी हाँ दोस्तों, इनकी यात्रा विवरण, आखिरी चट्टान तक, जीवनी संकलन, समय सारथी डायरी, मोहन राकेश की डायरी अनीता राकेश के संपादन में। जी हाँ दोस्तों, इनकी भाषागत वैशिष्ट बताना चाहूंगा कि राकेश जी की भाषा विषयानुकूल, सरल तथा गंभीर रूप से धारण करती है। अपने साहित्य में इन्होंने तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली को लिखा है जो शुद्ध परिमार्जित संस्कृत निष्ठ तथा व्यवहारिक है, जहां कहीं उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इनकी भाषा में लाक्षणिकता की प्रधानता है तथा बिंब की विधान में विद्यमान है प्रकृति की बाह, सौंदर्य को उपयुक्त शब्दावली रेखाओं तथा ध्वनि बिंबों के माध्यम से व्यक्त करने में अपूर्ण सफलता प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, इनकी भाषा में बिंब विधायनी शक्ति भी विद्यमान है तथा वे भाषा के माध्यम से संवेदनाओं को उभारने की कला में दक्ष साहित्यकार हैं। मानव मन की सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों को भी उन्होंने उपयुक्त भाषा में अपने नाटकों में अभिव्यक्तित दी है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे भाषा के कुशल शिल्पी हैं। जी हाँ दोस्तों, शैलीगत विविधता दो आपको बताना चाहूंगा, मोहन राकेश के विषय के अनुरूप अपनी शैली का स्वरूप परिवर्तित किया है। शैली के जो विविध रूप उनकी रचनाओं में उपलब्ध होते हैं वे निम्न प्रकार हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, राकेश जी के नाटकों, कहानियां, अत्रावृत्तियों एवं उपन्यासों में प्रायः वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वे वर्णन सजीव एवं प्रभावपूर्ण है तथा उनका चित्र सा आंखा के समक्ष उभर आता है। वर्णन के लिए उपयुक्त बताना चाहूंगा भाषा एवं तदनुसार शब्द योजना ऐसे स्थलों पर प्रयोग में लाई गई है। भावात्मक शैली, जी हाँ दोस्तों, नाटकों में इस शैली का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है। पात्रों ने जहां कहां अपनी भावुकता का परिचय देते हुए अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं, वहां इस शैली को देखा जा सकता है। इस शैली में भाषा शुद्ध परिमार्जित संस्कृत, हिंदी और जिसमें अलंकारित का भी समावेश हुआ है। वाक्य प्रवाह लंबे समय तक चित्रात्मक शैली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति के रम्य रूपों का चित्रण मोहन राकेश जी ने चित्रात्मक शैली में किया है। ध्वनि दृश्य और मनोभावों के आकर्षक चित्र शब्दों के माध्यम से और मनोभावों के आकर्षक चित्र माध्यम के संपन्न से किया है। जी हाँ दोस्तों, राकेश जी सिद्ध हस्त है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा हिंदी साहित्य में स्थान। तो दोस्तों, मोहन राकेश आधुनिक काल के हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं।
उनकी नाटक कृतियां अपने ढंग की अनूठी कृतियां हैं और रंगमंच का ध्यान रखते हुए एक कृतियां लिखी गई हैं। वे नई कहानियों के प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा कुशल शिल्पी मोहन राकेश एक प्रविध चिंतक एवं मनस्वी साहित्यकार थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने सरस्वती के भंडार की जो श्री वृद्धि की है उसके लिए हिंदी जगत उनका चिरकाल तक ऋणी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा मोहन राकेश की मृत्यु। तो दोस्तों, नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए इन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई। विवाह के पश्चात भी इनका गृहस्थ जीवन सुखी न रहा तथा असमय ही 1972 ईस्वी में ही इनका देहांत हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये थी मोहन राकेश के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि कैसे लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा बताए गए मोहन राकेश के जीवन के बारे में। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या शिकायत है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कम कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।